पावर क्वेरी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे अलग अलग टेबल्स को मर्ज करने की। मेरे पास एक्सेल में दो या दो से ज़्यादा टेबल्स हैं और उनके कंटेंट को मुझे मर्ज करके एक टेबल में लेके आना है, तो पावर क्वेरी की हेल्प से आप ये सारा प्रोसेस कैसे करेंगे, ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग होने वाली है। तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाले ऐसी यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। तो चलिए बिना देरी के इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका लर्नर्स एकेडमी में। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास तीन डिफरेंट टेबल्स हैं। फर्स्ट टेबल्स में मेरे पास एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, सेकंड टेबल में मेरे पास आइटम है और उनके रिस्पेक्टिव कोड है, और थर्ड टेबल में जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो किस रीजन में ऑपरेट करते हैं तो इसका रिकॉर्ड है। अब मैं चाहती हूँ इन तीनों टेबल्स के डेटा को मैं मर्ज करके एक टेबल बना दूँ और उसके ऊपर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मैं करना चाहती हूँ तो मैं इजीली अप्लाई कर सकूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट टेबल को सिलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा में से मैं सिलेक्ट करूँगी फ्रॉम टेबल और रेंज। डेटा मेरा पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप जो भी रिक्वायर्ड आपको लगता है कि चेंजेस आपने करने हैं इनकी डेटा टाइप में वो आप कर सकते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हर एक डेटा टाइप एनी है, तो इन सबको मैं सिलेक्ट करूँगी इकट्ठा और इनका डेटा टाइप में चेंज करूँगी। तो उसके लिए मैं कंट्रोल ए करूँगी, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी डिटेक्ट डेटा टाइप। तो पावर क्वेरी ऑटोमेटिकली कॉलम्स के डेटा को डिटेक्ट करके उनकी जो डेटा टाइप है उसको चेंज कर देगी। तो देखिए डेटा टाइप मेरा चेंज हो गया है। उसके बाद हम जाएंगे होम टैब में और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी क्लोज एंड लोड टू, बिकॉज मुझे यहाँ पे सिर्फ कनेक्शन ही इस्टेब्लिश करना है तो मैं करूँगी ओनली क्रिएट कनेक्शन एंड ओके। तो आप देख सकते हैं ये कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश हो गया है, जो प्रीवियस कनेक्शंस हैं उनको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो अब बढ़ते हैं सेकंड टेबल में, सेम प्रोसेस मुझे सेकंड टेबल में अप्लाई करना है, इसका भी मुझे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो मैं वापस इस डेटा को पावर क्वेरी एडिटर में लेके जाऊंगी। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी अपने टेबल्स और इनकी जो डेटा टाइप है उसको मैं चेंज कर दूँगी। अगर ऑलरेडी आपके पास डेटा टाइप चेंज होकर आ गई है तो उसके बाद सिर्फ आपने होम में जाकर इसको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। यहाँ पे मैंने चेंज टू टाइप जो मेरा स्टेप है वो मैंने क्लोज किया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे मैनुअली इसके जो डेटा टाइप्स हैं उनको चेंज करना पड़ रहा है। तो देखिए सेकेंड कनेक्शन भी इस्टेब्लिश हो गया है, सिमिलरली आपने थर्ड कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो इसका डेटा टाइप चेंज करेंगे। और इसका भी मैं कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर दूंगी। तो तीनों टेबल्स के मेरे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गए हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब टर्न आती है इनको मर्ज करने की। तो मर्ज करने के लिए मैंने फर्स्ट टेबल को सिलेक्ट किया। जब भी हम मर्ज करते हैं तो हमेशा इनिशियली दो टेबल्स को ही आप मर्ज कर सकते हैं एक टाइम पे। तो मैंने फर्स्ट टेबल को सिलेक्ट किया, कहीं भी आप सेल में क्लिक कर सकते हैं। गेट डेटा में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी कंबाइन क्वेरीज, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलने वाली हैं, एक है मर्ज और दूसरा है अपेंड। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मर्ज, क्योंकि हम
बेसिकली डेटा को यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, डेटा की मर्जिंग कर रहे हैं। जब भी हम मर्ज करते हैं तो एक टेबल में जो कॉलम्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो मैं मर्ज पे क्लिक करूँगी। तो जैसे आप मर्ज पे क्लिक करेंगे, आपका मर्ज का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो टेबल्स आएंगे इनिशियली मर्ज करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगी फर्स्ट टेबल। ये देखिए फर्स्ट टेबल मेरा आ गया है। देन मैं अपना सेकंड टेबल सिलेक्ट करूँगी जिसमें मेरे आइटम और कोड है। तो ये मेरा टेबल है आइटम डेटा। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप जो मर्जिंग कर रहे हैं उनमें जो कॉलम है वो किस के अकॉर्डिंग आप मर्जिंग करना चाहते हैं। तो मर्जिंग आप हमेशा उसी कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे जो कॉलम दोनों में कॉमन है। तो अगर आप मेरे टेबल्स को ध्यान से देखें तो जो कॉलम दोनों टेबल्स में कॉमन है फर्स्ट एंड सेकंड में, दैट इज़ योर आइटम। तो फर्स्ट में से भी मैं आइटम को सिलेक्ट करूंगी और सेकंड में से भी मैं आइटम को सिलेक्ट करूंगी। तो अब एक्सेल को पता चल गया कि मुझे आइटम के बेस पे इन दोनों टेबल्स को क्या करना है, मर्ज करना है। और नीचे आप यहाँ पे अगर देखिए जॉइन काइंड, आपने जो मर्जिंग करनी है वो कैसे करनी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करूँगी। जो मेरी मर्जिंग होगी वो फर्स्ट से स्टार्ट होगी और सेकंड तक जाएगी। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं टिक आ चुका है, द सिलेक्शन मैचेस 15 ऑफ 15 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। और इसको मैं करूँगी यहाँ पे ओके। तो जैसे मैंने ओके किया, मर्ज होके मेरा एक टेबल यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए जो एक टेबल अलग से क्रिएट हो गया है मर्ज वन, इसमें सारे कॉलम्स फर्स्ट वाले आ गए हैं। और लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आइटम डेटा नाम से एक नया कॉलम जो है वो इंसर्ट हो गया है। बेसिकली यहाँ पे ये टेबल इंसर्ट हुआ है। इसको हम यहाँ से एक्सपैंड करेंगे तो इसमें देखिए अभी दो कॉलम्स है, एक है आइटम और दूसरा है कोड। आइटम ऑलरेडी हमारे पास टेबल में है तो मैं यहाँ से आइटम को हटा दूंगी। मुझे सिर्फ इस टेबल में से क्या फेच करना है, कोड। और इस चेकबॉक्स को भी मैं अनचेक करूंगी और ओके। तो जैसे मैंने ओके किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लू पेन है उसके लिए कोड आ गया है LA001, पेंसिल के लिए 2 है, ग्रीन पेन के लिए 3 है। तो इस तरह से इरेजर के लिए आपका 4 कोड है, ब्लैक पेन के लिए 5 है। तो सिमिलरली इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारे जो कोड्स हैं रिस्पेक्टिव आइटम्स के वो आ चुके हैं। अभी मेरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज मुझे थर्ड जो टेबल है उसको भी मर्ज करना है। तो इसी टेबल में वो मर्ज होगा तो इसके लिए मैं इस टेबल का भी कनेक्शन एस्टैब्लिश करूँगी, क्लोज एंड लोड 2। और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे इसका कनेक्शन, ओनली क्रिएट कनेक्शन एंड ओके। तो देख सकते हैं मर्ज वन नाम से एक टेबल आ गया है जिसका कनेक्शन हम क्रिएट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टास्क क्या होगा, मेरा फर्स्ट जो मेरा टेबल है और ये जो लास्ट वाला है जो मर्ज होके आया है और लास्ट वाला टेबल थर्ड टेबल, इनको अब मैंने करना है मर्ज। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी गेट डेटा में एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मर्ज। तो फर्स्ट टेबल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी मर्ज वन बिकॉज इसी में मुझे थर्ड वाले टेबल की वैल्यूज भी मर्ज करनी है। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी रीजन डेटा जो कि मेरा थर्ड टेबल है। तो यहाँ पे जो कॉमन कॉलम है वो क्या है, यहाँ पे कॉमन कॉलम है एस नेम, एम्प्लॉयज़ के नेम से ये जो कॉलम है दोनों में कॉमन है। तो इसी बेसिस पे आपकी जो मर्जिंग है वो होगी। तो नीचे आपका यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया है, इट मींस ये बिल्कुल करेक्ट आपने सिलेक्ट किया है। और इसको मैं करूँगी ओके। तो आप देख सकते हैं ये नया एक टेबल क्रिएट हो गया है मर्ज टू, और इसमें भी आपके पास रीजन डेटा नाम से एक कॉलम आ गया है जिसमें टेबल जो है वो आ गया है। यहाँ पे इसको एक्सपैंड करेंगे।
अब एस ने मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे सिर्फ रीजन रखना है और इसको मैं हटा दूंगी और ओके। जैसे ओके करूंगी तो आप देख सकते हैं जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने नाम के अकॉर्डिंग रखी थी आइटम्स, जैसे आस्था शर्मा है तो आस्था शर्मा जो इम्प्लाई है वो इंडिया में ऑपरेट करती है, तो उसके आगे क्या आ गया इंडिया। तो अब मेरी फाइनल मर्जिंग डन हो चुकी है, तीनों टेबल्स का डेटा मेरा मर्ज हो गया है। देन क्लोज एंड लोड। तो देखिए मेरा सारा डेटा यहाँ पे एक नई शीट में आ गया है। डेटा में आपको कोड भी मिलेगा और रीजन भी मिलेगा। तो इस तरह से पावर क्वेरी की हेल्प से हम अपने नंबर ऑफ टेबल्स को मर्ज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, कोई इंडेक्स, कोई मैच फंक्शन नहीं लगाया, सिर्फ पावर क्वेरी की हेल्प से हमने अपने टेबल्स को मर्ज करके एक नया टेबल जो है वो क्रिएट कर लिया है। तो आज के ट्यूटोरियल इतना ही, मिलेंगे आपको ऐसे ही एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।